नमस्कार, मैं शाली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रोजगार विशालिनी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग को अब केवीएस डेमो की तैयारी कर लेनी चाहिए पूरी तरीके से, और आपको इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाला है। तो उस इंटरव्यू में आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आपको पूरी अच्छे तरीके से उसको वेल मेंटेन वेल प्रिपेयर्ड तरीके से बना के रख लेना है ताकि आपके इंटरव्यू में कोई भी दिक्कत ना आए। तो पहला डॉक्यूमेंट रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th, 12th और ग्रेजुएशन, उसका आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्लस 4 to 5 कॉपीज भी आपको चाहिए होंगी। सेकंड, जो आपने डिप्लोमा डिग्री की है, चाहे आपने बीटीसी किया है, बीएड किया है, उसका भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस 4 कॉपीज चाहिए। और अगर आपके रिजल्ट में मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, या आपका खुद का नाम गलत है, या कोई एड्रेस में मिस्टेक है, तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट पहले से ही बना के रख लेना है। और 4th डॉक्यूमेंट है आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, उसका 3 to 4 कॉपीज होनी चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और ओबीसी अगर आप लोग हैं या फिर एससी एसटी हैं, तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर निवास प्रमाण पत्र इसको बोलते हैं, सेंट्रल वाला, केंद्रीय वाला आपको चाहिए होगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट रजिस्टेंस उसकी कॉपी 4 to 5 कॉपी, और आपको जो बायोडाटा होगा फिलअप, आपको जो फिलअप करने के लिए मिलेगा उसकी 5 या 6 कॉपीज आपको रख लेनी है। और अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको नॉन ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग नॉक बोलते हैं, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपके पास ये जरूर से जरूर होना चाहिए कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लास्ट, जो आपने केवीएस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी भी कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। तो ये रहे 10 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो अगर इसमें से आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप अभी से उसको बनवा लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।